सभी दोस्त को गुड मॉर्निंग। और मैं बोलना चाहता हूँ, अब मैं अभी कंपनी का भी जो न्यू प्रोसेस में जो आईडी बना जा रहा है, इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल अभी जिस तरह से मैं बनाऊँगा, आपको एक एक चीज़ को देखना है अच्छे से, क्योंकि बनाने के वक्त बहुत सारी दिक्कत आता है। तो इसलिए अगर ध्यान दे के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे से समझ में आएगा कि आईडी कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा ग्लोबल ग्लेज लॉगिन करना है। यह है हमारा कंपनी का आईडी यानी कि ग्लोबल ग्लेज वेबसाइट। तो लॉगिन पेज पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे एक लॉगिन का दिया गया है और एक दिया है डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऑलरेडी ये आ गया, ये पूरा सिस्टम। तो सबसे पहले देखना है कि सबसे पहली चीज़ है यानी कि जो बंदे को 18 साल नहीं होता है वो लोग यहाँ पे ज्वाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ध्यान देना है उस बंदा को 18 साल हुआ है कि नहीं, ये दिखना चेक करना है। पहले यहाँ पर टिक लगाना है जो स्टार मार्कर दिया हुआ है। तो उसके बाद ये आता है स्पॉन्सर आईडी यानी कि उनका जो ऑफलाइन होता है उसका स्पॉन्सर आईडी। तो यहाँ पे ऑलरेडी आईडी इनकी भर चुके हैं, पहले स्पॉन्सर आईडी दे देना। और देने के बाद कहाँ पर भी क्लिक करो, कहना कि उनका नाम आता आ जाएगा। तो पहले चेक करना है स्पॉन्सर आईडी ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर वो कितना साल से उनको पहचानता है ये भरना है। तो उसके बाद ये कौन सा सर्कल में जा रहा है यानी कि फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव सर्कल, वहाँ पर भी भर जाना है। उसके बाद हम फ्रेंड भर दिए और यहाँ पर कितना साल से वो जानता है उसको भी देखना है। अगर कोई भी डेट चूज कर सकते हैं यानी कि कोई एक महीने से पहले। तो उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे नीचे देखिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो फिलहाल यह अभी यहाँ पे आ गया है। अभी उन खुद कान की जिसका आईडी बनाया जाएगा उसी का ही सब कुछ डिटेल्स भरना है। जैसे कि पहला नाम यानी कि उनका नाम जो है उसको भरना है, जैसे कि उनका नाम है किशोर। और टाइटल लास्ट में है, लास्ट नेम में टाइटल लिखना है। यहाँ पे फादर नेम भरना है। इधर पिताजी का नाम, यहाँ पे मम्मी जी का नाम भरना है। यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल है। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है यहाँ पे चूज करना है, 2000 और जनवरी 1 तारीख डेट ऑफ बर्थ चुके हैं। तो को एप्लीकेंट छोड़ देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएगा ओटीपी यानी कि उनका खुद का मोबाइल नंबर देना है और ओटीपी मंगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। तो अभी यानी कि ओटीपी जाएगा, ओटीपी के हिसाब से आपको यहाँ पे ओटीपी भरना है। और यहाँ पे ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है। और उसके बाद आता है ईमेल आईडी, ये पूरा कंपलसरी है। तो उनका जो मोबाइल पे जो जीमेल आईडी लॉगिन होगा उसको देना है आपको। तो यहाँ पे उनका ऑलरेडी जीमेल आईडी डाल गया है। तो उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और यह ईमेल आईडी पे ये चीज़ चला जाएगा। अगर यहाँ पे ओटीपी नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत आता है बार बार बीच बीच में से। अगर होगा तो उनका एक नया ईमेल आईडी बना देने की तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर यहाँ पे फिर से रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करना है और उसी आईडी पे भेज देना है। और ओटीपी आने के बाद यहाँ पर हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए उनका मोबाइल पे ऑलरेडी आ चुका है, ये देखिए उनका ओटीपी आ चुका है, लिखा है नो रिप्लाई ओटीपी डायर सिलिंग इंजीनियर और किशोर माझी, और इसको ऑन करना है।